जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत लोग अच्छे हैं। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा निकल जी तेरी सारी हीरो बनती। तो अपने आपको हीरो समझता है क्या? कैसा एक्शन करते हुए दिखने वाले हैं टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 में? किस नए अंदाज से शूट करने का प्लान कर रहे हैं साजिद नडियाडवाला? क्या फिर से दिखने वाले हैं टाइगर श्रॉफ अपने स्टंट्स खुद करते हुए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। फिल्म हीरोपंती के पहले पार्ट की सफलता के बाद जल्द ही इसका सीक्वल भी आने वाला है। हीरोपंती 2 की शूटिंग 3 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसी के साथ ऐसा तीसरा मौका होगा जब अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अहमद खान तीसरी बार साथ काम करेंगे। इससे पहले वो बागी 2 और बागी 3 के लिए साथ आ चुके हैं। हीरोपंती 2 के लिए टाइगर के फैंस काफी उत्साहित हैं। वे जल्द से जल्द अपने चहेते एक्टर को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। मूवी की शूटिंग वैसे तो बाहर होनी थी लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब शूटिंग मुंबई में ही होगी। टाइगर एक बड़े एक्शन सीक्वेंस के साथ शूट शुरू करेंगे। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। टाइगर के शूट शुरू करने के एक हफ्ते बाद एक्ट्रेस तारा सुतारिया शूटिंग शुरू करेंगी। निर्माता साजिद नडियाडवाला इस फिल्म को नए अंदाज से शूट कर रहे हैं और वो हीरोपंती 2 में भी इसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान करने वाले हैं और वो अभी इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन्स पर काम कर रहे हैं। हीरोपंती 2 में हमें टाइगर एक नए अवतार में दिखने वाले हैं जैसा उन्हें पहले कभी किसी फिल्म में नहीं देखा गया। हीरोपंती 2 की घोषणा पिछले साल फरवरी में ही की गई थी और इस वर्ष टाइगर के जन्मदिन पर निर्माताओं ने आगामी एक्शन रिलीज की तारीख का खुलासा करते हुए कहा कि फिल्म को 3 दिसंबर 2021 में रिलीज किया जाएगा। दर्शक एक्शन से भरपूर इस फिल्म में लोटपोट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जहां टाइगर श्रॉफ के एक्शन और रहमान के संगीत के साथ साजिद नडियाडवाला ने पहले से ही ज्यादा प्रत्याशित कर दिया है। अब फिल्म में टाइगर श्रॉफ हैं तो फिल्म का एक्शन जबरदस्त होने वाला है, ये बात तो पक्की है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो शुरू में फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे, इसके बजाय वो खेल और मार्शल आर्ट्स में अधिक दिलचस्पी रखते थे। हीरोपंती देखकर दर्शक उनके एक्शन सीन्स और डांस के दीवाने हो गए थे। टाइगर मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं क्योंकि टाइगर ने 4 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती फिल्म में सभी स्टंट्स खुद किए हैं और हीरोपंती 2 में भी ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे। अब हम तो टाइगर श्रॉफ को फिर से खुद के स्टंट्स करते हुए देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सानिया भार्गव ने।